नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंह टेक्निकल स्टूडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को एक ब्लॉग बनाकर आप Google पर प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारा सिंह टेक्निकल स्टूडियो का जो है ब्लॉग मैंने बना रखा है गूगल पर, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वेबसाइट की तरह शो करता है। जैसा कि आप हमारा URL देख पा रहे हैं, सिंह टेक्निकल स्टूडियो .blogspot.com पर लगा है। इस पर जैसे ही मैं गो पर क्लिक करता हूँ, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस पर आप किसी भी वीडियो को क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। अब देखिए आपका इसमें एक पॉपअप विंडो खुल के आया, यहीं से आपको यूट्यूब पर यह प्ले हो जाएगा। सब्सक्राइब करें सिंह टेक्निकल स्टूडियो चैनल को और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारी अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल बाबा के पास और वहाँ जाकर सर्च करना है ब्लॉगर। जैसे आप ब्लॉगर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार के पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो लिखा है क्रिएट न्यू ब्लॉग, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप कुछ इस प्रकार के पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू ब्लॉग पर आपको अपना टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपने ब्लॉग का, जो कि आपको सबसे पहले ऊपर शो होगा, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैंने टाइप कर दिया है सिंह म्यूजिक स्टूडियो। अब आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको एड्रेस डालना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एड्रेस आप कैसे डालेंगे, एड्रेस का मतलब ये होता है जैसे कि आपको कोई वेबसाइट का जो एड्रेस होता है जैसे google.com या जो कुछ होता है, तो इसी प्रकार आपको अपना लगाना है कि आप किस प्रकार मतलब कौन सा एड्रेस इसका रखना चाहते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है आप जो भी डालना चाहते हैं। मैं जो डालना चाहता हूँ मैंने डाल दिया, जैसे यहाँ पर सिंह म्यूजिक स्टूडियो। अब आप हमें को देखना है कि अवेलेबल है या नहीं है, तो आप देख रहे होंगे इसके साथ में सिंह म्यूजिक स्टूडियो .blogspot.com पर हो चुका है, मतलब लगा हुआ है। दोस्तों ये क्यों लग जाता है, क्योंकि ये गूगल का सर्विस है जो कि ये ब्लॉग स्पॉट हमें देता है, तो ये अपना जो होता है अपना जो ब्लॉग स्पॉट बैग में लगा देता है। और इसको हटाने के लिए फिर आपको पैड वर्जन में जाना पड़ेगा, उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर हम फ्री की बात कर रहे हैं तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, ये एड्रेस किसी और ने ले चुका है। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ और ट्राई कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसकी जगह पर UP लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि ये ब्लॉग अवेलेबल है। जी हाँ, जैसे देखिए आपको लिख के आ गया दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो अब आपको इस पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, मतलब सॉरी क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपका ब्लॉग जो है क्रिएट हो गया। अब ये आपसे बोल रहा है कि आप अपना कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि बैग में जो blogspot.com लग जाता है, कि अगर आप चाहते हैं कि वो ना लगे तो आप यहां से सर्च करके आप कोई डोमेन पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, तो फ़िलहाल हम तब भी आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए ये रिकमेंड आ गए हैं आपको, जैसे कि आप सिंह म्यूजिक .studio रखना चाहते हैं 1440 रुपये आपको एक साल के देने पड़ेंगे। सिंह म्यूजिक .studio.com रखना चाहते हैं या सिंह म्यूजिक .studio.com एंट्री रखना चाहते हैं तो 2150 रुपये देने पड़ेंगे एक साल के। दोस्तों ये हम कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए इसे हम बैक कर देते हैं और ये हमारा ब्लॉग हो गया क्रिएट। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसा दिख रहा है इस समय, तो इसके लिए आपको भी ब्लॉग पर क्लिक करना है और सिंह म्यूजिक स्टूडियो एंड व्यू ब्लॉग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सीधे दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ये आपको दोस्तों आपका ब्लॉग तो एकदम अब क्रिएट हो गया, रेडी हो गया है, लेकिन अभी आपको इस पर आपने कोई भी पोस्ट नहीं की है, इस कारण ये बिल्कुल कि एकदम सादे पेज की तरह दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर सबसे पहले तो आपको अपने कंटेंट्स अपलोड करने हैं, पोस्ट करने हैं, जो भी वीडियोज़ हैं उसकी लिंक देनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको इसे डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे रखनी है, किस तरह का ये दिखना चाहिए। दोस्तों ये सब मैं आपको बताऊंगा इसकी अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी अगली वीडियो देखें तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।